ये देखिए दोस्तों, हमारा रंगोली बनके रेडी है। दोस्तों आज मैं ढेर सारा फटाका खरीद के लाई हूँ, तो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। दोस्तों अब हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों कैसे आप सब, आप सभी को मेरा नमस्ते, हैप्पी दिवाली गाइस। आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली का ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज दिवाली है तो वैसे हम लोगों का सारा काम वाम सब खत्म हो गया है, जितना भी सफाई का काम था, क्लीनिंग का काम था। और आज पूजा है तो अभी मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने। आज का ब्लॉग में मैं आप सभी को अपना जो दिवाली में जो जो मैं करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो चलते हैं, आप सभी को मैं अपना रंगोली दिखाती हूँ और कैसे बनाऊंगी उसका भी वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों अब हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं और ये मैंने दीप जलाने के लिए लिया था, तो पहले हम लोग इसको डेकोर करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज मैं ढेर सारा फटाका खरीद के लाई हूँ, तो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ मैंने क्या शॉपिंग किया है आज, और इस बार मैं क्या क्या फोड़ने वाली हूँ, कैसे धमाका मचाने वाली हूँ दोस्तों। तो ये है मेरा फटाका, बहुत सारा दोस्तों। अब मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो मैंने रंगोली बनाने के लिए एक ये लिया है दिया, और एक ये लिया है शुभ दीपावली लिखा हुआ। तो मैं और इतना सारा कलर लिया है, ये सारा कलर लिया है मैंने रंगोली बनाने के। और ये चावल का आटा है, ये हम पहले व्हाइट कलर देंगे और उसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे, तो हमारा रंगोली बहुत सुंदर बनेगा। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने। दोस्तों मैंने फ्रेम ले लिया है और इसमें मैं पहले राउंड सर्कल बनाऊंगी ताकि मेरा रंगोली बिर गिरे ना। और मैंने चावल का आटा से अपना रंगोली का शेप दे दिया है राउंड वाला। फिर मैंने फ्रेम लिया और यहाँ पे जो लिखा है इसमें रेड कलर से पहले मैं शुभ दीपावली लिखूंगी, उसके बाद सभी कलर लेके इस पर डालते जाएंगे। इसमें खुद ही हॉल बना है, इसमें डालते जाएंगे, हमारा रंगोली बहुत सुंदर बनेगा। लास्ट में आप इसका रिजल्ट देखिएगा कितना खूबसूरत होगा। अब मैंने इसे पिंक और येलो और इस ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, उसको डाल के और भी अच्छा से इसको बना दिया है। देखिए दोस्तों हम लोगों का रंगोली बहुत अच्छा, और आप लोगों ने भी बहुत सुंदर रंगोली बनाया होगा मुझे लग रहा है। और ये देखिए हमारा शुभ दीपावली कितना अच्छा लिखा हुआ है, और इसमें और भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने ले लिया एक बाउल और बाउल को बीच में रख के वहाँ पे इसे अबीर को डालूंगी, और ये मैंने पेंसिल से किया। और फिर देखिए हमारा कितना सुंदर फ्लावर बन के रेडी हुआ है, वाव। ऐसे हम सारा बना लेंगे बहुत सारा फ्लावर। इसे ही करके हमने बहुत सारा फ्लावर बना लिया और ये हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, वाओ कितना खूबसूरत बना है। और मेरा देवर भी बहुत जिद कर रहा था साइड में बनाने के लिए, लेकिन मैंने उसको बनाने नहीं दिया क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉय होती है तो इसको बहुत ज़्यादा साफ करना पड़ता है, इस वजह से मैंने उनको बोला बाद में आप बना लेना। और मैं अकेली बना रही हूँ अभी क्योंकि मेरा देवर भी बोल रहा है बनाऊँगा, लेकिन उसको अभी नहीं बनाने दे रही हूँ ताकि मेरा रंगोली बिगड़ जाएगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगती है दोस्तों। और दिवाली के दिन आप सभी को पता ही है कितना काम रहता है। और इधर मम्मी पूरा पूजा का रेडी कर रही है और मैं इधर रंगोली बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए दोस्तों। और ये मैंने लिप बनाया है, देखिए कितना इजली बन जाता है ये, इसको टिप बोलता है, टिप से बनाएंगे तो इजली बन जाए, क्योंकि मेरे पास बोतल भी था, बोतल से कलर निकल ही नहीं रहा था दोस्तों, तो मैंने टिप का यूज़ किया जो इजली इससे बन गया। और मैंने छोटा सा ए फ्रेम भी लिया और इसको डाल के मैं थोड़ा अच्छा से बना। ये देखिए दोस्तों हमारा रंगोली बन के रेडी है, और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने रंगोली कैसे बनाया है। और शायद मेरे से फर्स्ट टाइम इतना अच्छा रंगोली बनाया। और थोड़ा रंगोली हम लोग बाहर भी बना लेते हैं मेन डोर पे, तो यहाँ पे मैंने हैप्पी दिवाली लिखा है ताकि कोई भी आए तो। और ये मेरी भांजी है,
तो मेरी भांजी आप सभी को हैप्पी दिवाली बोल रही है दोस्तों। और ये मैंने लक्ष्मी जी का पेड़ बनाया है, और ये हमारा ऊपर का डेकोरेशन है पूरा लाइट वाइट जला के, और ये बाहर का थोड़ा सा। देखिए मेरा देवर जी ने कितना अच्छा श्री राम अयोध्या लिखा हुआ है। और ये हमारा पूजा का सब रेडी हो रहा है, और मैं भी रेडी हो गई हूँ और शुभ लाभ लिख रही हूँ डोर पे, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों, और सभी को अपना घर का दरवाज़ा पे ऐसा बनाना चाहिए, ये शुभ शांति का प्रतीक होता है, तो इसको सभी लोग को बनाना चाहिए दिवाली के दिन। और ये हमारा पूजा हो रही है, मम्मी ने किया है और मैं भी अब पूजा करने के लिए आ गई हूँ। अब मैं मम्मी के साथ साथ यहाँ पे बैठ के पूजा करूँगी दोस्तों, और मैं आज फास्टिंग भी रखी हूँ मम्मी के साथ साथ, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन फास्टिंग रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है और मन को बहुत शांति भी मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बाहर का व्यू थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसा मैंने बनाया है, पूरा फुल लुक कैसा है मेरे रंगोली का। दोस्तों हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग आरती कर लेते हैं।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गणेश जी की जय। दोस्तों अब हम लोग का आरती ख़त्म हो चुका है, चलते हैं हम लोग फटाका जला लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फटाका जलाने। दोस्तों देखिए आप, तो दोस्तों आज काली पूजा भी है आसाम में और हम लोग जा रहे हैं काली पूजा देखने। और ऊपर बहुत अच्छा सजाया हुआ है, भजन कीर्तन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, काली माँ का दर्शन कर लेते हैं। और आप सभी को हैप्पी काली पूजा। दोस्तों हम लोग पूजा करने गांधी मंडप पहाड़ पे आए हैं, वहाँ पे काली मंदिर है और यहाँ पे भव्य तरीका से काली पूजा मनाई जाती है दोस्तों। और सभी को खिचड़ी भी खिलाई जाती है प्रसाद के रूप में, और यहाँ पे मन में बहुत शांति मिलती है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सजाया है मंदिर का, श्रद्धालुओं का भीड़ है और पूरा मंदिर को बहुत अच्छा से दिवाली का शुभ दिन पे माँ काली का पूजा यहाँ पे मनाया जाता है। शिव जी का मंदिर है, ये शिवलिंग है दोस्तों, और बाहर में नंदी बाबा भी हैं। और ये पूरी सारी मंदिर है, मंदिर तो बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे हनुमान जी का भी मूर्ति है, हनुमान मंदिर भी है। और बाहर में यहाँ पे सब आसामी श्लोक का कीर्तन होता है, तो कीर्तन हो रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है ये धुन। लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है जब तक हम लोग आए, नहीं तो आप लोग को सुनाती, बहुत अच्छा हो रहा है। और गांधी मंडप से थोड़ा नीचे भी ये पूजा चल रहा था, तो मैं वहाँ पे थोड़ा देर रुक के आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। तो मैं आ चुकी हूँ थोड़ा गांधी मंडप के थोड़ा नीचे, और यहाँ पर काली पूजा चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये दिवाली स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे से और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे। तो थैंक यू दोस्तों।